स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए न्यू क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर। हम लोगों के पास थोड़ा सा समय का शॉर्टेज रहता है, मतलब बच्चों के पास एग्जामिनेशन जिनको देना है, तो जो एमसीक्यू सीरीज अभी चलने वाली है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होगा, वीडियो भी थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। कि जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, पहले 15-20 मिनट 40 मिनट की अधिकतम वीडियो जो होती है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं जिनके क्वेश्चन हमें करना है और किस वीडियो में किस मॉड्यूल का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये भी हम साथ के साथ आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमें समय भी बचाना है तो क्लास है फर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, सभी बच्चों की बात करेंगे। अगर आप वन ईयर की ट्रेड में है, सिक्स मंथ की ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या फिर टू ईयर की आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है आप, प्रथम वर्ष में, तो आपके लिए क्लासेस हैं। और ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं 2023 में अपडेटेड है, निम्मी के द्वारा अपडेटेड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की गई है 2023 में, उसका सॉल्यूशन हम लोग कराने वाले हैं। यहां पर जो मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं, आज की वीडियो में दो मॉड्यूल के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, और दूसरा मॉड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें हमारा जो हमारा संविधान है उससे रिलेटेड और नागरिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं, तो उसको हम लोग करवाएंगे। और जो क्लास कराएंगे क्लास से रिलेटेड, जैसे क्लास वन है तो इसका पर्टिकुलर पीडीएफ अलग रहेगा, हर क्लास का अपना एक पीडीएफ होगा। तो जो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा, जो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, प्लस परीक्षा भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की होगी, तो उसमें क्वेश्चन भी डुअल लैंग्वेज रहेंगे, जस्ट हम यहाँ पर जैसे कराएंगे वैसे ही रहेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है, तो जैसे क्लास वन है तो क्लास वन की पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जैसे क्लास टू आएगा क्लास टू की अपडेट होगी, मतलब क्लास के साथ पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मॉड्यूल कौन कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर जो है यहां पर उसकी बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बैंक में मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल वन इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल टू सिटीजनशिप नागरिकता, मॉड्यूल थ्री प्रोफेशनल स्किल्स जो है 21st सेंचुरी में प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होने वाली है, कम्युनिकेशन, बेसिक इंग्लिश, इसेंशियल डिजिटल स्किल, डिजिटल स्किल में आईटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल में बैंकिंग सिस्टम, फोन पे, यूपीआई वगैरह पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब पढ़ने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, व्यवसाय, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, करियर डेवलपमेंट, हम अपनी नौकरी, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य जो होता है रोजगार, ये सब चीजें इसमें आती हैं, कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, कि आप अगर एक बिजनेस करते हैं तो ग्राहकों से आपको कैसे डील करना है, और लास्ट में जो 12वां मॉड्यूल है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, आपने आईटीआई पास कर लिया, अब आपको बाहर निकलना है, इंडस्ट्री में एंट्री करनी है, तो अप्रेंटिसशिप की तैयारी कैसे करते हैं, वाइवा हो गया, अप्रेंटिस पोर्टल, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिज्यूम बनाना, ये सारी चीजें। तो ये जो चीजें हैं मैं इसको यहां पर नहीं पढ़ाने वाला, मैं इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, मैं पहली वीडियो है तो थोड़ा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दूं जिससे आगे आपको आसानी होगी, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। क्यों यहां पर क्वेश्चन बैंक आप देख रहे होंगे, तो इनके क्वेश्चंस को मैं विद सॉल्यूशन, क्यों आंसर है, क्यों सही है, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 12 मॉड्यूल, और आज की क्लास में दो मॉड्यूल आपके कवर होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड आज की क्लास में, यानी क्लास वन में हम ये दोनों मॉड्यूल फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए आंसर अपने आप दे लोगे 50% क्वेश्चंस के। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि जो ट्रांसलेशन होता है गूगल का, जनरली इवन हम लोग भी वही इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रांसलेशन में हिंदी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसी वजह से जो बच्चा है आईटीआई का उसको समझने में भी दिक्कत होती है, तो वही हम आपकी मदद करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे समझा देते हैं, बहुत से बच्चे हमारे आंसर देने से पहले आंसर दे चुके होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसके पहले पीडीएफ डाउनलोड करने का भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं, मैं आज भी कहूंगा कि पीडीएफ के चक्कर मत पड़िए, आराम से मेरे साथ प्यार से चुक चुक रेलगाड़ी जैसे चलती है वैसे पढ़ लीजिए, आराम से अच्छा स्कोर करेंगे, बढ़िया नंबर पाएंगे, विश्वास है तो आप मेरे साथ पूरा पढ़िए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ जाना चाहेंगे, तो उनके लिए मैं बहुत मना नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा विरोध करना भी कहीं कहीं सही नहीं होता है, तो मैं आपको पीडीएफ की तरफ ले जाता हूं।
ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहां पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों होगा। तो आपको सेकंड ईयर का तो ऑलरेडी वहां पर अपलोड है, आप फर्स्ट ईयर वाले पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ईयर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। और यहाँ पर ये भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक है जो इन्होंने दिया है, और ये गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी में है, ठीक है, ये टोटल इंग्लिश टोटल हिंदी। लेकिन जो हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए क्लास वन ईएस फर्स्ट ईयर क्वेश्चंस, क्लास वन इसलिए लिखा गया है कि जो आज क्लास फर्स्ट हो रही है उसका पीडीएफ पर्टिकुलर उन्हीं क्वेश्चन पीडीएफ यहाँ होगा। फिर क्लास टू का आएगा, थ्री का आएगा, जितनी क्लासेज आएंगी उनका पीडीएफ आएगा आपको, यहाँ से आप डाउनलोड करते जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट पेज इस तरह से आ जाता है, जैसे निम्मी वाला पीडीएफ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ शो करता है। तो अब डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ राइट साइड में एक एरो होता है, देखोगे ध्यान से तो निशान बना होता है तीर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है, क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। बहुत से बच्चों को समस्या होती है, देख रहे हैं डाउनलोड हो गया ना, अभी आपके मोबाइल फोन में आ चुका है। तो ये तरीका भी है, मैंने आपको बता दिया। और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर, मॉड्यूल का नाम मैंने लिख दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शुरू करेंगे, क्योंकि दो मॉड्यूल आज कराने वाला हूं मैं, तो ये शुरू के क्वेश्चन से 1 से 15 तक के जो क्वेश्चन है मॉड्यूल वन के होंगे, यानी मॉड्यूल वन जो आपके सामने लिखा है, उसके बाद वहां से आगे जब शुरू होगा 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर मॉड्यूल टू शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहला है, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कह रहे हैं, देखिए यहां पर हिंदी पढ़ लीजिए, इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल से नहीं है, मतलब उससे नहीं रिलेट करता है, उससे कहीं से भी रिलेट नहीं करता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। पहला कह रहा है, पहला छोड़ देते हैं, दूसरा कह रहा है गुड इंटरव्यू स्किल, हमारे अंदर इंटरव्यू स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है और इसमें ये पढ़ाया भी जाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये भी एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत आता है। और क्विक लर्नर, कि हम किसी भी चीज को जल्दी सीख लें, पढ़ना सीख लें, काम करना सीख लें, कोई नई स्किल है कंप्यूटर चलाना सीख लें, अपने ट्रेड की नॉलेज जल्दी सीख लें, तो ये सब कुछ एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन आप रनिंग, मतलब रनिंग करते हैं, आप अच्छा दौड़ते हैं, तो इसका एम्प्लॉयबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, देखिए आप कौन सा विकल्प ऐसा है जिसका रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी से लेना देना नहीं है, तो रनर का, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं तो उसका एम्प्लॉयबिलिटी से लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि रनिंग कैसे करना है। एन एम्प्लॉई इज अ समवन हु, कह रहे हैं कि एक कर्मचारी कौन होता है, एम्प्लॉई कौन होता है, जो स्कूल जाता है पढ़ाई करने, जो कोई काम धंधा नहीं करता है, जो खेलने जाता है, नहीं, एम्प्लॉई वो होता है जिसको सैलरी मिलती है अपने काम के बदले, जो कार्य करता है उसको सैलरी मिलती है वही एम्प्लॉई कहलाता है। आंसर सी सही है। चलिए थोड़ा सा फास्ट रखने की कोशिश करता हूं। विच आर टू स्किल नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ, अगर हम अपने लाइफ में अपने करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं तो हमें कौन सी ऐसी दो जरूरी चीजें हैं जो चाहिए, लाइफ में होनी चाहिए, हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, तो जिससे हमारे करियर में ग्रोथ मिल सके। ग्रोथ मतलब हम नौकरी व्यवसाय में जिसमें भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आज 10,000 कमा रहे हैं, कल 20,000 कमाना चाहते हैं, आज नॉर्मल एक एम्प्लॉई हैं, कल सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि अच्छे करियर ग्रोथ के लिए कौन से दो कौशल, कौन से दो स्किल हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। गाना गाना नहीं, डांस करना नहीं, गार्डन में फूल पौधे लगाना नहीं, आपको चाहिए टेक्निकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। टेक्निकल स्किल, जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड की आपको अच्छी नॉलेज हो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बहुत सी चीजें आपको सिखाई जाती है, आपको सिखाया जाता है कैसे बोलना है, कैसे बिहेवियर आपका होना चाहिए, कैसे बायोडाटा तैयार करना है, नए जमाने में जॉब कैसे सर्च करना है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, तो इसीलिए ये स्किल जरूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सब ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, कि आपकी जो ट्रेड है उसकी नॉलेज आपके पास अच्छी हो, उसकी स्किल हो आपके पास, और आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी, यानी दो स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप अपने करियर में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव हिज वर्क, गोपी है जो अपने काम को हमेशा चाहते हैं, इनकी हमेशा से इच्छा रही है कि नई चीजें सीखें, सीखें और अपने काम को क्या करें, इम्प्रूव करें, बेहतर करें। गोपी अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, तो उनके पास क्या है, उनके पास प्यार है या कोई सर्टिफिकेट है,
या उनके पास कोई मार्क्स कार्ड है, नहीं, उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो विचारधारा है वो ग्रोथ वाली है। उनकी जो विचारधारा ये है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, अच्छे पद पर जाना है। कुछ लोग होते हैं जो मिल गया सो मिल गया, बस जय सियाराम, वही मस्त रहते हैं, तो उस विचारधारा की ये नहीं है। इनकी विचारधारा कैसी है, इनकी मानसिकता है कि मैं लाइफ में ग्रोथ करूंगा। तो लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें सीखनी होती हैं, और जो कर रहे होते हैं उसको इंप्रूव करना होता है और बेहतर करना होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है सब ऑलरेडी आपको आ रहा होगा, जैसे सवाल आपके सामने है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कह रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या अर्थ है। ठीक है, स्किल टू गेट अ जॉब, बढ़िया जॉब पाने के लिए जो आपके पास कौशल है, स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए जो आपके अंदर कौशल है, स्किल फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए आपके अंदर जो कौशल है, ये सब क्या है, सब कुछ होता है एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है, क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है कि आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकें, उसके लिए जो क्या होता है, अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए जो कौशल होता है उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही लेकर चलेंगे फिलहाल के लिए। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ये है कि स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, कि बढ़िया एम्प्लॉय बनने के अंदर के लिए आपके अंदर जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए उसी को हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये भी चलेगा, क्योंकि रोजगार कौशल की बात हो रही है तो ये भी बहुत गलत नहीं है, यहाँ पर चल सकता है। ठीक है, आंसर भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, When we learn something online, it is called। देखिए, हम लोग पढ़ाई दो तरीके से करते हैं, एक तो ऑफलाइन करते हैं, क्लास में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, एक तरीका होता है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, वेबसाइट पर चीजें, किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए वेबसाइट पर सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, या फिर आप ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने वहां पर कोर्स ज्वाइन किया, इलेक्ट्रीशियन फिटर पढ़ाई की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाई किया, यूट्यूब चैनल पर आप आए और पढ़ाई किए, तो इन सब में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब में आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, और साथ में मोबाइल टैबलेट या फिर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ाई की जाती है उसे आप ऑनलाइन कहते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसको ई लर्निंग कहा जाता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं, अगर हम ऑनलाइन, बहुत से लोग होता है ना, खाना बनाना भी यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं कि शाही पनीर कैसे बनाए, तो वहां पर वीडियो मिल जाती है, तो उनको शाही पनीर बनाना नहीं आता, लेकिन उन्होंने ई लर्निंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से YouTube चलाया, और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म बहुत से भी हैं जहां पर आप जाकर सीख सकते हैं। तो जहां पर भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई लिखाई की बात आए, वहां पर तुरंत आप ई समझ लीजिए, ई आ गया। कैसे, जैसे पहले आप डाक भेजते थे, पहले सिंपल डाक भेजते थे पोस्ट ऑफिस से, तो उसको मेल बोला जाता था, पोस्ट ऑफिस से भेजते थे उसको मेल बोला जाता था, और उसी डाक को, उसी लेटर को अगर आप इंटरनेट की मदद से भेज रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो ईमेल हो जा रहा है ना, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया ना। तो इसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेट आ गया, आप इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी सीख रहे हैं वो ई लर्निंग कहलाता है। ठीक है, ई लर्निंग, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, ऑनलाइन सीखा भी जाता है। पढ़ना सीखने में फर्क क्या है कि बहुत से, जैसे जो प्रैक्टिकल वर्क हो, बहुत से प्रैक्टिकल की भी वीडियो आप देखते हो और वो सब चीजें सीखते हो, या फिर आप कई बार आपको बताया जाता है कि ड्राइविंग कैसे करना है, वहां पर दुनिया भर की टिप्स मिलती हैं, गियर ऐसे लगाते हैं, जजमेंट ऐसे करते हैं कि लंबाई गाड़ी की कितनी है, बैक कैसे करते हैं, तो उसको सीखना कहते हैं, क्योंकि आप एक स्किल सीख रहे हो। एक होता है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, एक होता है स्किल सीखना। तो वही यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर आप ऑनलाइन, द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो उसका फायदा क्या है, उसका सबसे बेस्ट फायदा क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं डायरेक्ट सही आंसर पर आता हूँ, बिकम फ्रेंड, और क्लासमेट से फ्रेंड करने की जरूरत नहीं, घर जो जल्दी जाने की जरूरत नहीं, लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, वी कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर, सबसे बेस्ट है। आप कहीं भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आप अभी चाहो बैठ के अभी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लासेज है, प्लेलिस्ट में जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास फर्स्ट ईयर की देखिए, आप अभी पढ़ सकते हैं, अभी आपको काम है तो शाम को पढ़ सकते हैं, शाम को काम है सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, मतलब आप स्वतंत्र है। तो ऑनलाइन के यही फायदा है कि आप क्या कर सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल, कह रहे हैं इसमें से एक ऐसा कौन है जहां से हम सीख सकते हैं, ये एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्टल है समझ लीजिए, जहां से हम स्किल्स और नॉलेज या ई लर्निंग कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो वो बताइए। फेसबुक पर हम लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, हमारे जो नॉलेज के लिए लगातार आप लोग जानते हैं भारत स्किल है, इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, ई लर्निंग
मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जहां से आप अलग अलग चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पर आप मूवीज देख सकते हैं, मजा कर सकते हैं, हॉटस्टार पर सीरियल्स देख सकते हैं और बहुत कुछ आता है, फेसबुक पर तो बताना ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो आपको आ रहा होगा जहां तक मुझे संभावना है। राम वर्क्स एज अ फिटर इन अ कंपनी। राम है फिटर की आईटीआई करने के बाद एज अ फिटर एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ही वांट टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम। देखिए राम है, व्हाट शुड ही डू, नौकरी करते हैं फिटर से, आईटीआई किया उन्होंने और फिटर एक फिटर का ही जॉब, फिटर मतलब जो असेंबली करने का काम करते हैं उनको फिटर बोला जाता है जनरली, तो फिटर का काम करते हैं किसी फैक्ट्री में। अब वो चाहते हैं कि अपनी फिटर ट्रेड की नॉलेज भी बढ़ा लें और साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सीख लें, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए कि ये चीजें वो सीख पाए, और ये कब सीखना चाह रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कुछ समय उनके पास बच रहा है, थोड़ा बहुत समय 2 घंटे चाहते हैं कि पर डे मैं कुछ सीख पाऊं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, आंसर आप दीजिए। उनको खेलना चाहिए, नहीं। उनको न्यूज देखना चाहिए, नहीं। उनको क्या करना चाहिए, नौकरी छोड़ देना चाहिए, नहीं। उनको ऑनलाइन कोर्स ढूंढ लेना चाहिए या ऑफलाइन कोर्स, अपने आसपास कोई सेंटर ढूंढ लेना चाहिए जहां पर कुछ कोर्स वगैरह कराया जाता हो, जहां शाम को 1 घंटा जा सके, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए जहां से वो अपनी चीजें पढ़ सके। जैसे 2-3 एक्स एम्प्लॉई हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्होंने आईटीआई कर रखा है और हमसे जुड़े हुए हैं फिटर पर, स्पेशली अभिषेक सर की क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी कर ली, आईटीआई भी है, अब उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको पता है आर्मी वगैरह में रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, 15 साल पर लोग सर्विस से बाहर आ जाते हैं, तो बाद में उनको थोड़ा वेटेज भी मिलता है अन्य वैकेंसीज में, तो उनको एक्स्ट्रा सीखना था तो ऑनलाइन उन्होंने माध्यम चूज कर लिया है ना। तो यही चीजें यहाँ पर भी है, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं। आंसर सी सही है, पार्ट टाइम में आप कहीं आसपास कंप्यूटर सेंटर वगैरह या फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। जीना वांट टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सी नीड, कह रहे हैं कि ये जीना मैडम है और ये ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करना चाहती है, कोई कोर्स है ऑनलाइन उसको वो ज्वाइन करके पढ़ाई करना चाहती है, तो उनके लिए क्या जरूरी है कि उनके पास होना चाहिए। पेपर पेन होने से फर्क नहीं पड़ता, किताबें होने से फर्क नहीं पड़ता, कपड़े होने से भी फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है कि उनके पास मोबाइल हो या कंप्यूटर, कोई एक होगा या टैबलेट होगा, तभी वो कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे ऑनलाइन। क्लियर है ना, तो बहुत आसान है एम्प्लॉयबिलिटी। क्वेश्चन समझिए, आंसर आप खुद दे लेंगे। मेरी बात से जितने लोग सहमत है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इन टूडेज टाइम, आज के समय में स्किल हैज बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब, कह रहे हैं कि ऐसी स्किल है जो बहुत से जॉब में बहुत कॉमन सी हो गई कि भाई इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आज के समय में कई नौकरियों में कौन सा, यही हमें आपको बताना है, कौन सा ऐसा कौशल है जो एक बेसिक कौशल बन गया है जिसकी आवश्यकता लगभग हर जगह पड़ने ही लगी है। यहां पर बताइए, आपको नौकरी में एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हर नौकरी में पेंटिंग डांसिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करने आना चाहिए। लगभग हर नौकरी में ये पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, हर आदमी सोचता है कि जो मेरा एम्प्लॉई है वो उसको कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने आता हो, उससे अवेयर हो, छोटे से लेटर के लिए वो 4 किलोमीटर मार्केट ना जाना पड़े, ठीक है। तो यहां पर जो स्किल ये कौन सी स्किल कहलाएगी, डिजिटल स्किल कहलाएगी। डिजिटल स्किल आप ध्यान रखिए, डिजिटल स्किल मतलब आईटी से बात हो रही, आईटी की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है, इंटरनेट की बात हो रही है। तो यहां पर कौन सी स्किल बड़ी कॉमन सी हो गई है, डिजिटल स्किल बहुत कॉमन हो गई है जो जरूरत पड़ती है, लगभग हर नौकरी में इसको मांगा जाता है कि कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, ब्लैंक है यहां पर, आपको सही आंसर इसमें से देना है। जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड प्लैनेट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन को घटाने के लिए और एनवायरनमेंट को वापस सही करने के लिए, जो एनवायरनमेंट प्रदूषित हुआ है उसको प्रदूषण हटाना, उसको दोबारा से नॉर्मल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करना और प्लैनेट को बचाना, ठीक है, प्लैनेट को बचाना, किस क्या कहा जाता है उसको, तो उसको हम लोग ग्रीन जॉब्स बोलते हैं। ग्रीन जॉब, अगर आप ग्रीन जॉब जब ढूंढोगे गूगल पे, ग्रीन जॉब्स मतलब ये काम, बहुत से अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह भी बनाए जाते हैं, सभी सरकारें, सभी देश अपने यहाँ सरकार में ऐसे बोर्ड बनाए जाते हैं जिनका ये काम होता है, उसको हम ग्रीन जॉब कहते हैं। कि ये जगह जगह जैसे गंगा की सफाई हो गई, या जैसे पोल्यूशन जहां हो रहा है वहां पे गाड़ियां, डीजल गाड़ियों को बंद करना हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब ग्रीन जॉब्स कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। कोई नौकरी नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, कहीं जॉब से आप ये समझ रहे हो, जॉब से मतलब नौकरी का नहीं, ये कार्य का हो गया यहाँ पर मतलब,
ठीक है, कि कौन सा कार्य है जिससे ये प्लैनेट को बचाया जाता है पोल्यूशन से, ठीक है, तो वो ग्रीन जॉब्स कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कारपेंटर लकड़ी वाला होता है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओबीएस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखिए अवलोकन महत्वपूर्ण है, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओबीएस मैंने देखा है गूगल पे, तो ऑब्जर्वेशन जो है इसका कहीं कहीं पे ऑब्जर्वेशन आ रहा था, एक आध जगह बर्ड सेंचुरी आ रहा था, तो ये बात हो रही है सब मिलाकर हमारे एनवायरमेंट को बचाने की ही, कि हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस एरिया में किस वजह से बढ़ रहा है, तो यही कैलकुलेशन ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है ओबीएस, ओबीएस का काम यही है, इट्स इजी टू डू, इट इज फॉर सिटी एम्प्लॉय, नहीं ये सब नहीं है, ये है आपका पहला आंसर। दे हेल्प प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके बचाया जाता है कि कौन सी जगह कितनी पोल्यूटेड हो रही है, पोल्यूशन का कारण क्या है, तो ये क्या करता है, एक तरह से ये जो अवलोकन का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन करना, शहरों को, जगहों को, देश को ऑब्जर्व करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो ये क्यों किया जाता है, जिससे कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, प्रदूषण से बचा सके अपने वातावरण को, ठीक है, तो उसी के लिए ओबीएस महत्वपूर्ण है, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता है जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, गीता ने जस्ट अपनी पढ़ाई कर ली है, सी हैड ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर स्किल, ठीक है, देखिए गीता ने पढ़ाई कर लिया, गीता ने मान लेते आईटीआई कर लिया, अब उसके बाद वो खाली हो गई, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो गर्मियों की छुट्टियों भी हो गई है समझ लीजिए, तो अब उनके पास में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं कोई टीचर होंगे, उनके यहाँ उन्होंने जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो अब वो अपना क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, वो कौन सी स्किल सीख रही है, अगर वो कंप्यूटर सीखने गई होती तो मैं बोलता है कि वो डिजिटल स्किल सीखने गई है, लेकिन वो इंग्लिश बोलना सीखने गई है, इंग्लिश सीखने गई है, तो क्या हुआ, इंग्लिश सीखने गई है मतलब इंग्लिश क्या करेंगी, वो बोलेंगी, बोलेंगी तो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो यहां पर कौन सी स्किल हो जाएगी, अगर वो इंग्लिश सीखने गई है तो उसमें डांस नहीं सिखाया जाएगा, लड़ाई करना नहीं सिखाया जाएगा, उसमें सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन, बातचीत करना, तो यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड बी सजेस्ट, देखिए राम है वो प्लान करने जा रहे हैं बिजनेस, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, अब उनके माइंड सेट है, उनका दिमाग है कि चलो मैं बिजनेस करने वाला हूं, तो अब चार ऑप्शन है, आप बताइए उनको कौन सा वाला बिजनेस आप सजेस्ट करोगे, अगर कोई आपसे पूछे भाई मैं बिजनेस करने वाला हूं, आपको कोई दोस्त पूछ रहा है, तो ऐसे में आप कौन सा सजेशन देंगे इन चारों में से, आप उसे कहेंगे कि कैसेट बेचना शुरू कर दो, जो पहले कैसेट बजते थे ना गाने वाले, भाई वो कैसेट बेचेगा तो खरीदेगा कौन, उसका तो जमाना निकल गया ना, या फिर आप कह देंगे कि वीडियो जो किराए पर पहले सीडी वगैरह मिलती थी ना, 10 रुपए दे के 2 दिन के लिए घर लाते थे, मूवी देख के फिर सीडी वाले को वापस कर देते थे, वो वाला तुम बिजनेस शुरू कर दो, अब तो किसी के पास सीडी ड्राइव भी नहीं है, वो डीवीडी बंद हो गई, तो कौन खरीदेगा, कौन किराए पर लेगा, फेल हो जाएगा ना। अब दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन है और एक जीरोक्स, जीरोक्स कॉपी से बेहतर है कि हम क्या कहेंगे उसे, ऑनलाइन स्टोर खोल ले, ऑनलाइन स्टोर, ऐसा स्टोर जिसकी अपनी वेबसाइट होती है, जहां पर लोग सामान ऑर्डर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट मान लीजिए, फ्लिपकार्ट अमेजन वो दूसरे का सामान बेचते हैं, ऐसे ही आप चाहो तो अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लो, अपनी एक वेबसाइट बना लो, अपने सभी सामानों की वहां पे लिस्ट दे दो, एमआरपी दे दो, लोग खरीदेंगे और आप जो है कोरियर के थ्रू उनके घर भेज देंगे। तो आज के जमाने में जो कोई आपसे पूछता है तो आपको ये सब ऑप्शन ना बता के आपको बताना होगा कि ऑनलाइन स्टोर खोल लो भाई, क्यों, क्योंकि डिमांड है, ट्रेंड है इस समय, ठीक है, इस समय बिजनेस इसी में है, तो इसलिए ये सजेस्ट करेंगे, ठीक है, ये यहां पर पूछ रहा था। अब हम लोगों का नया मॉड्यूल आ गया, मॉड्यूल नेम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप, इसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड, गुड के आगे ब्लैंक है, वहां पर आपको बताना कि जो वैल्यूज है एंड इथिक्स है, नैतिकता की बात हो रही है, नैतिकता क्या होता है, जनरली एक एग्जाम्पल दे दूं, आप एक बस स्टैंड पर हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, अचानक से आपके सामने एक पर्स गिर गया किसी व्यक्ति का, आप पर्स पा गए, उसमें ढेर सारा पैसा है, पैसा, अब ऐसे में क्या होगा, नैतिकता क्या कहती है, नैतिकता ये कहती है कि उस पर्स को आप उठाइए, वहां नियर बाय कोई पुलिस वाला हो या फिर एक पूछताछ केंद्र होगा जहां पर आप उसको रोडवेज वगैरह पर आप मान लो बैठे हो तो वहां पर आप जमा कर सकते हो, वो अनाउंस कर देंगे या फिर जो व्यक्ति वो ढूंढते हुए आएगा तो उसको वापस मिल जाएगा, या पर्स में कोई ऐसी चीज होगी जिसके डिटेलिंग से वो कॉन्टेक्ट करके उसको वापस कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से सपोर्ट कर दे, जैसे रेलवे में कई बार सामान लोग पाते हैं तो आरपीएफ को दे देते हैं या रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर वगैरह को सौंप देते हैं, फिर उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है, उसको दिया जाता है, एक ये नैतिकता कहती है हमारी। लेकिन अगर
आपकी नैतिकता मर चुकी है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं, नैतिकता नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस पर्स को धीरे से पैसा वैसा निकालोगे, पर्स को उधर साइड में फेंकोगे और आगे पड़ जाओगे, ठीक है। तो नैतिकता ये जो मैंने बताया पहला वाला वो नैतिकता होता है। तो यही यहाँ पर चलिए उसी तरह के क्वेश्चन आने वाले। मूल्य और नैतिकता हमें बनाने में मदद करती है, ये हमें क्या बनाती है, ठीक है, हमारा क्या चीज बनाती है। वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड अस गुड, गेम में नहीं है, खेल कूद से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं, किराया से लेना देना नहीं, वो हमारे व्यवहार को बनाती है। और एक अच्छा आदमी कौन होता है, एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है, जिसका व्यवहार बिहेवियर अच्छा होता है वही व्यक्ति अच्छा कहलाता है, ठीक है, जिसका बिहेवियर अच्छा होता है वही व्यक्ति अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा कि जो नैतिकता है, जो वैल्यूज है, जो नैतिकता है वो क्या बिल्ड करती है, वो हमारा बिहेवियर दर्शाती है, ठीक है। यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यूज डिसाइड दैट ऑफ अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति का मूल्य है वो क्या तय करता है। मूल्य जो है लैपटॉप या घर का या सिस्टम का नहीं, वो आपके चरित्र को दर्शाता है, आपके चरित्र को दर्शाता है। लोग कहते हैं ना कि आपके बातों की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या है कि आप झूठ बोलते हैं, लोगों से वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं, आपको लोगों की अच्छाई से बुराई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी नैतिकता मर गई है, सिर्फ आपको अपना बेनिफिट दिखता है, आपको अपनी कमाई दिखती है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, पर्स गिरा हुआ मिला, पैसा जेब में रखा, आपकी कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, मूल्य ये होता है कि हमने इससे क्या दर्शाता है, इससे हमारा कैरेक्टर बनता है। जो बड़े बड़े पहले के लोग थे जिनका हिस्ट्री में नाम आता है, उनको महान बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यूज थी, उनके बातों की वैल्यूज थी, उनके कार्यों की वैल्यूज थी, उनका खुद का अपना वैल्यू था, एक कैरेक्टर का उनका वैल्यू था, उनकी नैतिकता थी, है ना। तो यही चीज है यहाँ पर। तो जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, वो क्या डिसाइड करती है, वो हमारे या इंसान के कैरेक्टर को दर्शाती है कि इंसान कैसा है, ठीक है। आंसर ए होना चाहिए, है मतलब होना क्या चाहिए, है। और हर व्यक्ति को अपना एक वैल्यू बनाकर रखना चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया, कह रहे हैं इसमें से ऐसा, इन चारों में से ऐसा क्या है जो सोशल मीडिया पर नहीं फैलाना चाहिए आंख बंद करके, ठीक है। अगर आपको फैलाना ही है तो आप ये वीडियो फैलाओ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा जितना मन कर सोशल मीडिया फैला दो, अगर मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो, समझ में आना चाहिए, सारी मेहनत समझने का है, ठीक है। तो अगर कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर क्या है जिसको फॉरवर्ड करना अच्छी बात नहीं है, देखिए सोशल मीडिया पर आप मैसेज भेज सकते हैं, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी कर सकते हैं, गाना भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेक न्यूज ना शेयर करें, ठीक है। आंसर ए सही है, फेक न्यूज मत शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये तो आपको पता रहा होगा। चलिए, अ पर्सन विथ रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंट्री, एक व्यक्ति है जो अपने देश के नियम और कानून को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंट्री, हमारे जो देश के नियम कानून बने हैं उसको फॉलो करना, फॉलो करना इन द सेंस कि अगर रेड लाइट आ गई चौराहे पे तो चुपचाप हम रुक जाएं और इंतजार करें ग्रीन होने का, और एक होता है जैसे रेड लाइट आए करके तिरछा मार के निकल गए, हो सकता हो आपके चक्कर में चौथा कहीं टकरा जाए बेचारा, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति की हम बात नहीं करेंगे जो ऐसे निकल गया, हम उस व्यक्ति की बात करेंगे अगर कहीं ट्रैफिक भी लगा है तो अपनी लेन में रहता है, ना कि सिंगल लेन है और एक उधर से आने वाला है, तो कुछ लोगों के अंदर खुजली होती है, जाके बेचारा इधर से भिड़ा देते हैं, फिर ट्रैफिक पुलिस वाला पसीने खाता है, परेशान होता है, वो भी तो हम आप जैसे इंसान है, वो 2 घंटा लग जाएगा उनको उस ट्रैफिक को खाली कराने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने ही देश के कानून को नहीं मानते और टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो देश के कानून का सम्मान करता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जिम्मेदार व्यक्ति कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। जनरली देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है कि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए, रेलवे आपकी संपत्ति है, उसको नुकसान मत पहुंचाइए, और कुछ लोग होंगे कुछ नहीं जाएंगे तो रेलवे कहीं से बल्ब ट्यूबलाइट या पंखा हिला के ले जाएंगे, ऐसे भी हैं। तो ये वही चीज यहाँ पर बात हो रही है, समझ गए होंगे आंसर सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीता फाउंड समवन पर्स इन ऑफिस, सी गिव इट टू ऑफिस मैनेजर सो दैट सी हैज, लीजिए। अभी मैं कुछ देर पहले पर्स वाला बता रहा था, आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आंसर आप दे लीजिएगा अपने मन से ही, काश सामने होते आप मेरे तो ज्यादा मजा आता सच में, लेकिन अब फिर भी मजा आ जाएगा मुझे, आप कमेंट जरूर करना है, अपना फीडबैक देना क्लास आज की कैसी लगी, ठीक है।
तो ये बताओ, अभी मैं कुछ देर पहले बताता, रीता है, रीता को, चलो हिंदी वाला पढ़ते हैं। रीता को ऑफिस में, यहां से शुरू, रीता को ऑफिस में सोमोने का पर्स मिला। सोमोन क्या है? समोन लिखा है यार, देखो ये गूगल है। समोन मतलब किसी का पर्स मिला, ठीक है। रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, अब उसे क्या की, ऑफिस में गई, मैनेजर को दे देती है, और उसे पता चलता है कि मैनेजर क्या करेगा, पता करेगा जिसका उसको दे देगा, या कोई घूमते हुए आएगा ढूंढते हुए तो उसको दे देगा। लेकिन अब इससे रीता के बारे में क्या पता चलता है? क्या रीता एक पिलर है? नहीं, कुछ नहीं भाई। रीता गुस्से में है? नहीं। क्या वो दोस्त है? नहीं, वो ऑनेस्ट है। क्या है रीता? रीता ईमानदार है। ये इनसे उनकी ऑनेस्टी दिखती है, उनकी ईमानदारी दिखती है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए ऑनेस्टी अपनी एक लेवल तक मेंटेन रखें। हाँ, मानता हूं कभी कभी एक आध बार बेईमानी हो जाती है, लेकिन ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर बी सही होगा, मुझे लग रहा है आप में से 90% लोग आंसर सही जानते रहे होंगे। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, भारत के संविधान को और क्या कहा जाता है? लो ये तो वही बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंग्लिश है, संविधान हिंदी है, तो बस यही पूछ रहा था। यहां से ध्यान से देखिए, देखिए क्या मतलब, आप तो आंसर आपको पता ही है ना। भारत के संविधान को क्या कहा जाता है भाई? भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान कहा जाएगा, कुछ नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आंसर बी। देखिए, भारतीय अकेडमी नहीं, ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये भारतीय संविधान है, ठीक है। तो सिंपल है, इंग्लिश को उन्होंने हिंदी में पूछा था, ऑलरेडी ट्रांसलेट होकर आंसर आपके सामने था, आंसर बी। इंडिया इज सेवरेज कंट्री, दैट मीन्स इट कैन मेक इट ओन, ठीक है। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि वह अपना बना सकता है। एक्चुअल में इंडिया जो है वो अपने रूल रेगुलेशन, जो अपने संविधान, भारत का अपना खुद का संविधान है, तो इसी की बात हो रही है कि जो देश है हमारा, ये क्या कर सकता है? तो ये अपना पैसा नहीं छाप सकता है, ये क्या कर सकता है? अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक का रूल कितना है, कितना फाइन लगना चाहिए, ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है, ये सारी चीजें जो कुछ भी है जो भारतीय संविधान में है, ये सब चीजें भारत स्वतंत्र है इसको बनाने के लिए। इसके लिए किसी और देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है कि कोई और देश आए और कहे नहीं आप हेलमेट पर 100 रुपया लीजिए, 1000 रुपये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है, रूल एंड रेगुलेशन जो डिसीजन है ये सब बनाने के लिए हमारा जो है कंट्री इंडिया जो है स्वतंत्र है। यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान इज अ सेट ऑफ आवर कंट्री, कह रहे हैं हमारे देश का जो भारतीय संविधान है उसमें सेट ऑफ, कई सारा एक समूह है, किस चीज का समूह है? उसमें चाबियां हैं? नहीं। उसमें कोई औजार है, कोई घड़ी है? नहीं। उसमें लॉ और रूल है, नियम और कानून है। आप जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप उस महान व्यक्ति का नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है, और मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, और ये अपने लिए एक प्राउड का भी विषय है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि भारतीय संविधान को किस महान व्यक्ति ने लिखा है, आप सभी के कमेंट में देखना चाहूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर सही है कि जो भारतीय संविधान उसमें क्या है, नियम और कानून की एक किताब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जॉनसन वॉन्ट टू एम्प्लॉय एन 8-year-old गर्ल फॉर हिज हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया, वी प्रोविटेड दैट बिकॉज इट इज, कह रहे हैं कि ये जॉनसन है 8 वर्ष की एक बच्ची को अपने घर के कार्य के लिए, साफ सफाई, खाना बनाना, झाड़ू के लिए, ठीक है, हाउस होल्ड मतलब यही होता है, रखना चाहते हैं अपने यहाँ नौकरी पर, 8 वर्ष की बच्ची है, तो इंडिया में इसको निषेध किया गया है, मतलब ये बैन है, इंडिया में आप नहीं रख सकते हैं 18 वर्ष से नीचे के बच्चे को, आप फैक्ट्री के लिए या अपने काम पर, नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, 8 साल की बच्ची को घरेलू काम करने के लिए नौकरी पर रखना चाहते हैं तो भारत में इसे प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है, नहीं रख सकते आप नियम के हिसाब से, तो ये क्यों नहीं रख सकते, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शोषण, क्योंकि ये कोई सामान्य या न्यूट्रल या पुलिस की बात नहीं है, ये शोषण है, ये चाइल्ड मतलब बच्चों के खिलाफ एक तरह का शोषण है। तो उससे बचाने के अधिकार के अंतर्गत जो है आप यहां पर नहीं कर सकते हैं, बच्चे को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका सी सही हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाने की आजादी है, चर्च जाने की आजादी है, मॉस्क फॉर प्रेयर्स मतलब मेरे ख्याल से ये मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है एक्चुअल में, ये हमारा भारत देश, यहाँ पर बहुत सी कल्चर्स हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन सबके जबान पे पहला सेंटेंस होता है कि सभी क्या हैं, भारतीय हैं। पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, क्रिश्चियन हैं, तो ये सारी चीज़। तो हमारे यहाँ सभी समुदाय के लोगों को समान मतलब वैल्यूज दी जाती है सबके लिए, भारत के संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए रूल रेगुलेशन सब कुछ बराबर है। तो ये जो चीज है इसको क्या दर्शाता है, ये हमारे देश के बारे में क्या दर्शाता है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, ये रिस्पेक्ट है सभी एक दूसरे के धर्म का, सभी सभी रिलीजन का क्या करते हैं, सभी रिलीजन का सम्मान करते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, हम भले ही अपना धर्म मानते हैं लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका रिस्पेक्ट होगा, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैस केमिकल टू एनवायरमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज कॉल्ड, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुआं गैस केमिकल का शामिल होना क्या कहलाता है, क्या उसको हम हवा कहते हैं, क्या उसको हवा या उसको आंधी कहते हैं, नहीं, हम उसको पोल्यूशन कहते हैं। अगर हमारे वातावरण में गैस हो रही, गैस धुआं और सब केमिकल मिक्स हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना कि हमारा वातावरण क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, पोल्यूशन कहेंगे उसको, ठीक है। यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा कि ये सब चीजें क्या है, ये सब पोल्यूशन है, वातावरण में इनका घुलना पोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, कटिंग डाउन ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज, कह रहे हैं कि हम लोग खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए धीरे धीरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत तेजी से कर रहे हैं, खत्म करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति होगी। उसी की वजह से देखिए आज ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी गर्म होना, हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाना, ये सब उसी का नतीजा है, ठीक है। खेती और आवास के लिए हम लोग लगातार क्या करते जा रहे हैं, ट्रीज को काटते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको भूमि कहेंगे, पेड़ काटना क्या कहेंगे, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बता दिया कि घर बनाने के लिए खेती करने के लिए पेड़ों की कटाई करते हुए जा रहे हैं, तो जो पेड़ कटाई करते हुए जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, क्या उसको जंगल कहेंगे, डेंस तकदीर कहेंगे, नहीं, उसको हम कहेंगे वनों की कटाई, कुछ नहीं, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, कई बार जो क्वेश्चन है वही आंसर है। यहां भी कह रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है ना, क्या हो रहा है, कटाई हो रही है, आंसर भी कह रहा है कटाई, ठीक है, सिंपल है। बस ये था कि डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ था इंग्लिश में तो आपको हिंदी में थोड़ी सी कठिनाई होती है, हिंदी में जैसे आया समझ में आ गया सेम चीज है ना, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड, देखिए पानी में कुछ केमिकल्स जो फैक्ट्रीज वगैरह से दुनिया भर के केमिकल्स होते हैं वो मिलाना, कचरा मिलाना, प्लास्टिक को जो प्लास्टिक है, पॉलिथीन है या फिर अन्य प्लास्टिक वगैरह मटेरियल जो खराब हो रहे हैं उनको पानी में फेंकना क्या कहलाता है। अगर हम ये सब गंदगी जो है पानी में फैला रहे हैं तो वो वायु या साउंड पॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, धरती को नहीं हम कर, हम किसको गंदा कर रहे हैं, ना तो हवा को, हम गंदा कर रहे हैं जल को, वाटर को, तो ये सब कहां हम फेंक रहे हैं, सब फेंक रहे हैं वाटर में, तो पोल्यूशन कहां होगा, वाटर में ना, सिंपल सा है, इसीलिए मैं आपको लगातार कह रहा था डरना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, करते जाना है, ठीक है। साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर कॉजेज, कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक है वो हमें लगातार वार्न करते रहते हैं कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता हुआ बढ़ रहा है लगातार, इसके बारे में हमेशा वार्निंग आती रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड मतलब जब अगल बगल नदियां होती हैं, कटाव होता है मिट्टी का, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं, और गर्म नहीं नॉर्मल है, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पेड़ वगैरह कटाई हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर, पृथ्वी का जो टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इसी के बारे में हमेशा वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते रहते हैं, भैया सुधर जाओ, मानव जीवन का सत्यानाश करने पे क्यों लगे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
श्याम अवॉर्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर ही यूज फॉलोइंग। देखिए श्याम है, उन्होंने प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद कर दिया, खेतों में फर्टिलाइजर जो केमिकल वाली खाद होती है यूरिया और डाई वगैरह वो डालना बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपना घरेलू गोबर वगैरह और कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। और आपने देखा होगा शहरों में इसका बड़ा कल्चर चला हुआ है कि इस तरह की सब्जी महंगी बिकती है, कि कौन सी वाली है, ये केमिकल यूरिया वाली सब्जी नहीं है, ये नॉर्मल कंपोस्ट जो घरेलू गोबर वाली और जो कचरे वाली जो होता है ना पेड़ पौधे कचरे से बनाई गई जो खादें हैं उससे जो सब्जी बना रहे हैं तो वो महंगी बिक रही है। तो समय भी वही आ गया है, बीमारियां फैल रही है ना। क्यों फैल रही है, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा पैदावार करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि श्याम ने ये सब बंद कर दिया, श्याम ने प्लास्टिक और रसायन उर्वरक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो अब वो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब वो ग्रीन लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी भी होती है ना, गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है, डीजल पेट्रोल इन चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है, इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दे रही है और कह रही है कि आप लोग सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करिए। तो सोलर एनर्जी क्या है, ये सब ग्रीन एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। पोल्यूशन बहुत से, अब डीजल के अपेक्षा पेट्रोल कम पोल्यूशन करता है, पेट्रोल के अपेक्षा सीएनजी कम पोल्यूशन करती है, सीएनजी से अपेक्षा आप बैटरीज पर आ गए तो बहुत कम पोल्यूशन है ना मात्रा है। तो यही है, ये सब जितना कुछ भी आएगा ऐसा कुछ तो ये सब ग्रीन ग्रीन समझ लीजिए, ग्रीन मतलब यही है पोल्यूशन को बचाना, ठीक है। तो इन्होंने ये सब चीजें हटा दिया तो कौन सी लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, मॉडर्न नहीं, मॉडर्न और बीजी से मतलब नहीं है, वो ग्रीन लाइफ स्टाइल जो है अपना रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगर मजा आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्लासेज आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मैं आपका फीडबैक आज के वीडियो पे चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और मेरा ये पैटर्न कैसा लगा, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ और एकदम ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही करवा दे रहा हूँ, थोड़ा कम सही लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो एक मेरी कोशिश है, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मैक्सिमम आईटीआई स्टूडेंट्स के बीच, जिससे थोड़ा अपना भी मोटिवेशन हो कि नहीं यार इसकी डिमांड है, इसकी जरूरत है बच्चों के बीच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सेंटेंस मैंने बहुत दिन बाद देखा नहीं है, बोला है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।